हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू आई एम गिरीश राठौर मेरे प्यारे बच्चों आज हम मोस्ट इम्पॉटेंट वन वर्ड सब्सट्यूशन्स पढ़ेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बगैर किसी डाउट के आप मेरे वीडियोस को देखते रहें आपको एग्ज़ाम में हंड्रेड परसेंट यहाँ से ही मिलने वाला है जो भी मैं वीडियो डालता हूँ सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चंस डालता हूँ ठीक है तो देखिए अ स्टेट विच इज़ डोमिनेटेड बाय अ वुमेन रूलर यहाँ पर पूछा गया ऐसी अवस्था जहाँ पर औरत का शासन होता है वुमेन रूलर का होता है उसको हम क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विकल्प तो मैंने लिखे थे बट अभी सेटिंग बनाते समय ये विकल्प जो है यहाँ से डिसपियर हो गए हैं गायब हो गए हैं देखिए ए देख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको आंसर इसका बताई देता हूँ अ स्टेट विच इज़ डोमिनेटेड बाई अ वुमेन रूलर जहाँ पर वुमेन रूलर आए कि औरत का जहां शासन हो तो उसका वन वर्ड में आंसर होता है अ पेटिकोट गवर्नमेंट अ पेटिकोट गवर्नमेंट इज द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस ओके नेक्स्ट देखते हैं वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ तो देखिए प्यारे बच्चों अगर ब्राइट साइड ऑफ लाइफ आपको पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे ऑप्टिमिस्ट। अगर ब्राइट की जगह डार्क आ जाए डार्क साइड ऑफ लाइफ या डार्क साइड ऑफ थिंग यहाँ पर लाइफ की जगह थिंग भी हो सकता है तो आपका आंसर होगा पैसी डार्क निराशावादी और ब्राइट ये आशावादी होता है ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आगे देखते हैं अ पर्सन हु कांट मेक अ मिस्टेक वह व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं कर सकता है तो मेरे पैर बच्चों उसका आंसर होता है Infallible. क्या होता है इनफॉलिबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस अ पर्सन हु कांट मेक अ मिस्टेक अब सपोज़ करिए बच्चों अगर यहाँ पर नॉट ना हो अ पर्सन हु कैन मेक अ मिस्टेक जो मिस्टेक कर सकता है तो जैसे यहाँ से मैंने नॉट हटा दिया ऐसे इस वर्ड से आप इन हटा देंगे तो फॉलेबल हो जाएगा दोनों को आप नोट करें ठीक है आगे बढ़ते हैं किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कॉन्सेंट ठीक है मतलब यहाँ पर पूछा गया है किलिंग ऑफ एन इनफेंट इन किसी इन्फेंट की शिशु की हत्या को पूछा गया है और इस्पेशली मदर के द्वारा जो है बर्थ के समय उसकी अगर हत्या कर दी जाए उसकी बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर आपको देखना इनफेंट से मिलता जुलता होगा इन्फेंटिसाइड ठीक है इनफेंटिसाइड होता है शिशु हत्या इन्फेंट से मिलता जुलता क्या है इनफेंटिसड ओके okay? <coughs> आगे देखते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स जो मैप्स और चार्ट को बनाने की जो आर्ट है उसके लिए हम वन वर्ड में क्या यूज़ करेंगे कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी इज द राइट आंसर नोट कर लें <coughs> लवर ऑफ़ बुक्स जो पुस्तकों का प्रेमी होता है उसे कहते हैं बेवलियो क्या कह कहते हैं बेवलियो फाइल फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है आगे देखते हैं ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड जिसके माता पिता मर गए होते हैं उसको हम ऑर्फन कहते हैं अनाथ ऑर्फन माने अनाथ वन हु इट्स ओनली वेजीटेशन जो केवल वेजिटेबल खाता है या वेजिटेबल होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर है हर वोर हर वोर या हर वोरस ओके हर वोरस केवल जो वेजिटेबल खाता है शाकाहारी लियबल टू बी ईजली ब्रोकन लियबल टू बी ईजली ब्रोकन जिसको आसानी से ईजली ब्रोकन किया जा सकता है उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटल होगा और इसका एक आंसर और होता है फ्रेगाइल क्या होता है फ्रेगाइल ऑप्शन में आपको जो मिले ब्रिटल या फ्रेगाइल वही आप कर देंगे अ फिगर मैनी एंगल्स और साइड्स एक ऐसा चित्र जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं बहुत सारे साइड्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे उसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं पॉलीगॉन इज़ द करेक्ट आंसर अ मैन हुज़ वाइफ इज़ डेड जिसकी वाइफ मर गई हो उसे हम कहते हैं बेटर और जिसकी पत्नी मर गई जिसका हस्बैंड मर गया उसे हम कहते हैं वेडो ओके वन हु किल्स वंस सिस्टर सस्पेक्टिंग हर करेक्टर कोई अपनी बहन की किलिंग कर देता है उसको हम क्या कहेंगे तो प्यारे बच्चों जब किलिंग ऑफ सिस्टर आएगा तो सिस्टर घर में शोर करती है तो शोर से आप इसमें आंसर देखिए शोर से मिला लेंगे सोरोरी साइड ठीक है किलिंग ऑफ वन सिस्टर आ जाए तो सोरोरी साइड हो जाएगा मेरे बच्चों वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड यहाँ पर देखिए जब डज नॉट बिलीव इन गॉड आए तो एथिस्ट लिखेंगे और जब नॉट ना हो तो थीस्ट लिखेंगे वन हु बिलीव्स इन गॉड तो थीस्ट करेंगे नॉट आए तो एथिस्ट करेंगे ठीक है अंतर याद रखिए एथिस्ट में थीस्ट और थीस्ट में एथिस्ट करने की गलती मत करना गिविंग गिविंग अंडर फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन अपने रिश्तेदारों के लिए जो फेवर करना होता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं नेपोटिज़्म भाई भतीजा वाद नेपोटिज़्म कहते हैं वन हु स्टडीज़ एंड कलेक्ट्स क्वाइंट्स जो क्वाइंस का अध्ययन करता है उनको कलेक्ट करता है उनको हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर आंसर है सी न्यू मिज मैटिस्ट न्यू मिज मैटिस्ट ये इसका आंसर हो गया सी वन हु इजीली गिव्स हिज पार्टी और प्रिंसिपल तो यहाँ गिव्स के बाद अप और है गिव्स अप ठीक है जो बड़ी आसानी से अपनी पार्टी को त्याग देता है सिद्धांतों को छोड़ देता है उसको कहते हैं टर्न कोट दल बदलू दल बदलू टर्न कोट स्कूल फॉर इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रेन छोटे बच्चों के लिए और शिशुओं के लिए जो स्कूल होता है उसको कहते हैं किंडर गार्टन किंडर गार्टन पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी होती है पहले बच्चों को कहलाती है मैनीफेस्टो मैनीफेस्टो ओके